हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GPIO 200 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GPIO 200 के इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसके कंपोजिशन एंड इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, एंड साथ ही साथ इसके देखेंगे इंडिकेशन, इट मीन्स इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, GPIO 200 एक FDC द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया एंटीबायोटिक ब्रांड है, जो कि आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा आप लोगों को। अगर बात करते हैं इसके पैकेजिंग की, तो इसकी व्हाइट और ग्रीन कलर के बॉक्स में अवेलेबल है। इसके एक बॉक्स में इसके 10 स्ट्रिप अवेलेबल होते हैं और हर एक स्ट्रिप में इसके 10 टेबलेट होते हैं। कंपोजिशन ऑफ GPIO 200, दोस्तों इसमें कंटेनिंग है सिफिरिजम 200 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। इसमें एक रेंज और भी अवेलेबल है बच्चों के लिए, जो कि डिस्पर्सिबल टेबलेट है, जिसको बोला जाता है GPIO 100 DT, यानी DT मीन्स डिस्पर्सिबल टेबलेट। इसमें जो कंटेनिंग है, इसमें सिफिरिजम 100 mg है और ओफ्लॉक्सासिन 100 mg है, जो कि ये बच्चों के लिए है। लेकिन हम वीडियो में बात करने वाले हैं GPIO 200 के बारे में, जिसमें कंटेनिंग है सिफिरिजम 200 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन 200 mg कॉम्बिनेशन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ GPIO 200, दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करने से पहले इसमें देखते हैं, इसमें दो कंपाउंड ऐड है। पहला है इसमें सिफिरिजम 200 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इसके सिफिरिजम की, तो इसमें सिफिरिजम जो है एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और जो ओफ्लॉक्सासिन होता है, GPIO में कंटेनिंग ओफ्लॉक्सासिन 200 mg होता है, यह एक सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक है, जो कि DNA गायरेज एक एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, यानी उसको प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करती है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करती है, यानी इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और प्रोडक्शन से रोक देता है DNA गायरेज एंजाइम को ओफ्लॉक्सासिन, जिससे बैक्टीरिया डेथ हो जाता है, किल हो जाता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट मिलता है। इंडिकेशन ऑफ GPIO 200, इट मीन्स इसके इंडिकेशन, इट मीन्स यूजेस को देखेंगे GPIO 200 के, क्या क्या इसके यूजेस हैं, कहाँ पे आप इसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक को। दोस्तों, GPIO 200 जो कि एक टाइफाइड फीवर में आप दे सकते हैं, जिसमें टाइफाइड फीवर में जिसका डोज है 8 mg पर kg बॉडी वेट के साथ, इसका डोज है आप दे सकते हैं GPIO 200, और साथ ही साथ इसको आप दे सकते हैं UTI इन्फेक्शन, इसको बोला जाता है UTI इन्फेक्शन, इट मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके में भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड UTI होता है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड UTI होता है। अगर इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड UTI, तो यहाँ पे जो इसकी थेरेपी चलेगी, BD चला सकते हैं, GPIO 200 सुबह, GPIO 200 शाम, वो भी 10 दिन, कम से कम 10 दिन की थेरेपी चलेगी। और इन द केस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है, तो उस केस में आप 3 दिन की थेरेपी चला सकते हैं, यानी GPIO 200 आपको सुबह देना है, सुबह और शाम 3 दिन तक आप दे सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, GPIO के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि है साइड इफ़ेक्ट्स, यानी एडवर्स इफेक्ट, जो कि सबसे बड़ा मायने रखता है हर एक मेडिसिन के लिए। तो GPIO 200 को आप देते हैं, तो कुछ पेशेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है डायरिया की, जिसके थ्रू पेशेंट को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगती है, और साथ ही साथ कुछ पेशेंट को जो है वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम होने लगती है, वोमिटिंग हो जाती है पेशेंट से, और कुछ पेशेंट की जो है GIT भी डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ कुछ पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे पेट में बदहजमी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट के साथ, तो आप तुरंत इमीडिएटली GPIO 200 आप बंद कर सकते हैं और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं GPIO 200 की MRP के बारे में, तो उसकी MRP है 152 रुपये 10 टेबलेट की, और इसके एक स्ट्रिप में इसके 10 टेबलेट अवेलेबल है, यानी टोटली आप एक स्ट्रिप लेते हैं तो आपको 152 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि इसकी MRP है। और इसके जो डोज है, इसकी जो डोज है GPIO 200 की 8 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डोज है, डिवाइडेड टू टू डोज, यानी सुबह और शाम। GPIO 200 आप सुबह दे सकते हैं और GPIO 200 आप शाम को दे सकते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हैं 8 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। दोस्तों, अगर मार्केट में आप लोगों को GPIO 200 अगर नहीं मिलता है बाय द वे मेडिकल स्टोर पे, तो आप वहाँ पे कुछ ब्रांड नेम भी बता देते हैं, जो कि आसानी से हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। पहला है दोस्तों टैक्सीम OF, जो कि एल्केम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसमें सेम कंटेनिंग है सिफिरिजम एंड ओफ्लॉक्सासिन, जो कि सेम GPIO 200 जैसा कंपाउंड इसमें मिला हुआ है।
और साथ ही साथ इसमें एक और सा ब्रांड है जिसका नाम है महासे प्लस, दूसरा है जेन फ्लॉक्स प्लस, ये भी मैनकाइंड कंपनी का, दोनों जो है मैनकाइंड कंपनी का मैनुफैक्चरिंग किया गया है। और आता है एक सेफोलाइको जो जिसमें भी सिफिक्जिम एंड ओफ्लोक्सासिन कंटेनिंग है, जो कि एक मैकलियाट कंपनी द्वारा मैनुफैक्चरिंग किया गया है। एंड लास्ट ब्रांड है एक सेफिओ जो कि एबर्ट कंपनी द्वारा मैनुफैक्चरिंग किया गया है। तो ये सब भी आप लोगों को आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।